यीशु के नाम की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:16 से लेकर 21 तक हम वचन को पढ़ेंगे और इसके बारे में हम मनन करेंगे। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारा द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारा लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इस वचन से आज हम देखेंगे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, इसके बारे में आज हम मनन करेंगे। यहाँ पौलुस कहता है, यदि कोई मसीह में है तो, मसीह में है तो नई सृष्टि, मसीह में नहीं तो वो पुराना मनुष्य है। इधर पौलुस कहता है, अगर मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। पुराना बात पुराना मनुष्य, नई बात नई मनुष्य है। इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। यहाँ पौलुस कहता है, यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा परमेश्वर मेल मिलाप हमको कर लिया करके यहाँ बता रहा है। और परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ संसार का भी मेल मिलाप कर लिया, पूरी दुनिया का भी मेल मिलाप कर लिया। किसके द्वारा? मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा ही किया है। और इधर पौलुस कहता है, हम लोग मसीह के राजदूत है, हमारा हाथ में इस सेवा का दिया गया है। हम इसलिए सबको हम निवेदन करते हैं मसीह के ओर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि हम लोग पापी है, जन्म से ही हम पापी है। हमारा पापों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आके उत्पन्न हुआ। 2000 वर्ष के पहले वो इंसान के रूप में आया, दुनिया के सारे लोगों की पापों के लिए वो पाप ठहराया। पिता परमेश्वर ने उनको पाप ठहराया करके यहाँ 21 लास्ट वचन में हम देखते हैं, उनके अंदर पाप नहीं था, वो पवित्र है, लेकिन हमारे लिए वो पाप ठहराया, क्योंकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धर्मी हम पाने के लिए। इस वचन में लास्ट लाइन में हम देखते हैं, हम उसी में होकर परमेश्वर की धर्मिकता बन जाए। इसके कारण यीशु मसीह को परमेश्वर ने पाप ठहराया। क्यों? हम पापी थे। कैसे हम पापी बन गए? कोई लोग बोलते हैं, मैं क्या पाप किया, मैं तो पापी नहीं हूँ। विश्वासी लोगों के अंदर में भी ये बात समझ नहीं आता है, मैं कुछ भी पाप नहीं किया, मैं पापी नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है, हम जन्म से ही पापी है। क्यों हम पापी है? तो हम देख सकते हैं उत्पत्ति का किताब 1 में, यहाँ कैसे ही परमेश्वर इंसान को बनाया, इंसान कैसे पाप किया करके यहाँ हम देख सकते हैं। परमेश्वर दया का धनी हमको अपने स्वरूप में बनाया करके इधर लिखा है। इसमें हम देखते हैं परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे और जंगली जानवर, पालतू जानवर, नदियाँ, पहाड़, हवा और सूरज, चंद्रमा, ताराए, सब दिन, समय, वर्षों के लिए हमको जानने के लिए बनाया। आज तक देखिए वो सब स्थिर है, परमेश्वर की वचन के अनुसार सब अपने अपने जगह पर अपना अपना काम करते हैं, रात दिन आते रहता है, कोई उसको बोलने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, समुद्र को भी इतना ही आना, इससे पार नहीं होना करके उनको बोला, तो वो बात मानकर आज तक देखिए सब अपने अपने स्थान में स्थिर है। और अपने अपने बीज के अनुसार पेड़ों को, पौधों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया, हमारे लिए खाने के लिए फल,
सब्जियां सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उस सब कुछ देखा बहुत अच्छा था। उसके बाद देखा इंसान को हम अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएंगे करके परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी लेकर अपने स्वरूप में परमेश्वर इंसान को बनाया। उसके अंदर जान नहीं था, उसके नाक में अपनी श्वास फूका, वहाँ इंसान जिंदा हो गया। आदम को परमेश्वर वैसे ही बनाया, पहला मनुष्य आदम को परमेश्वर बनाया। बनाने के पहले ही उस आदम के लिए परमेश्वर ये दिन वाटिका में सब चीज़ बनाया, उनको क्या क्या ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत, हवा की ज़रूरत, और चार नदी वहाँ उस ये दिन वाटिका में बहने के लिए परमेश्वर ने बोला। उसमें एक नदी है, वो जाता है, जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ सोना उगता था, बहुमूल्य पत्थर मिलता था। उस सोना इतना बहुत अच्छा वाला एक सोना था। देखिए ऐसे परमेश्वर मनुष्य के लिए, मनुष्य को बनाने के पहले ही परमेश्वर उनके लिए सब चीज़ बनाया। उसके बाद इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। उसके बाद परमेश्वर उनको आशीष किया, फूलो फलो पूरा वश में लाव करके अधिकार दिया, आशीष किया। ऐसे परमेश्वर इंसान को बनाया। उसके बाद देखा इंसान अकेला रहना अच्छा नहीं है करके उनको अड्डी को लेकर उनको पूरा गहरी नींद आदम को परमेश्वर ने दिया। वो नींद में उनका एक हड्डी को लेकर परमेश्वर अब्बा को बनाया, पत्नी को बनाया, परिवार को बनाया। परमेश्वर दोनों को आशीष किया, दोनों के ऊपर परमेश्वर की महिमा था, पूरा उनको घेर रखता था। ऐसे ही दोनों को फूलों फलों करके आशीष किया। वो लोग ये दिन वाटिका में खुशी खुशी से रह रहे थे, लेकिन परमेश्वर एक ही बात बोला, वहाँ जीवन की वृक्ष भी था और बुरे भले का वृक्ष भी था। परमेश्वर ने कहा तुम सारे फल खा सकते हो, लेकिन इस बुरे भले का पेड़ का इस फल को तुम नहीं खाना, अगर तुम खाओगे तुम उसी दिन मर जाओगे करके परमेश्वर ने आदम को बोला। आदम को पता था ये लोग ऐसे ऐसे जा रहे थे घूमने के लिए, दोनों अलग अलग हुए थे। तभी सर्प आया, अब्बा को बहकाया, क्यों नहीं खाने का, क्यों नहीं खाने का, परमेश्वर क्यों मना किया, अगर तुम खाओगे ना परमेश्वर समानता में ही बन जाओगे। ऐसे ऐसे अब्बा को सर्प ने बहकाया, अब्बा वो बातों को मानी। वो बोलता था देखो ये फल कितना मीठा होगा, देखने में ही इतना अच्छा लगेगा, तो तुम खाओगे तो कैसे लगेगा, खा लो खा लो खा लो, थोड़ा सा खा लो, बहुत अच्छा है करके वहाँ बहकाया। आज भी बहुत इंसान को यही काम करता है, तुम थोड़ा सा पाप करो, थोड़ा सा गंदे काम को करो, थोड़ा सा गंदे बातों को देखो, कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें नहीं देखेगा करके इंसान को आज भी शैतान झूठ बोलता है। वहाँ वैसे ही झूठ बोल के हवा को बहकाया। हवा ने सोची मैं ही परमेश्वर बन जाऊँ, मुझे क्यों परमेश्वर की ज़रूरत है करके उसको ऐसे बहका के वो भी वो बातों को मानी, उसको लेके खा ली। खाना इतना ही नहीं, पति को भी दी। अब आदम को तो पता है, पता हो के भी परमेश्वर बातों को उल्लंघन करके आदम ने खाया, दोनों आत्मिक मृत्यु में चले गए। दोनों के ऊपर जो परमेश्वर की महिमा था वो हट गया, परमेश्वर और इंसान के बीच में बड़ा दरार हो गया, दोनों को रिश्ता टूट गया। जो इंसान के ऊपर परमेश्वर की महिमा था वो हट गया, वो नंगे हो गए और जाके वो लोग दोनों छुप गए। परमेश्वर को पता है, वो रोज आदम के साथ बात करने के लिए आता था। उस दिन भी परमेश्वर आया, आके देखा आदम दिखता नहीं था। आदम कहाँ हो, वो बोला था मैं यहाँ हूँ, क्यों तुम फल खाया क्या, मेरे बातों को नहीं माना, नहीं परमेश्वर ये आपने बनाया ना, ये पत्नी ने मुझे ये खिलाया। वो बोलती है सर्प ने मुझे बहकाया, एक दूसरे को दोषित करने लगा। आदम तो परमेश्वर को ही दोषित करने लगा, ऐसे ही पाप आ गया, वहाँ दोषित मन आ गया, दूसरे को दोषित करना और गुस्सा जलन क्रोध सब कुछ वहाँ उत्पन्न हो गया। परमेश्वर ने देखा दोनों को, दोनों क्या किया, अपने नंगेपन को बंद करने के लिए वहाँ की पत्ते लेकर कपड़ा को पहनाया। फिर परमेश्वर ने दोनों को एक जानवर को मारकर वहाँ चमड़ी लेकर उन दोनों को वहाँ चमड़ी से कपड़ा को पहनाया। फिर परमेश्वर ने वहाँ से उन दोनों को बहा दिया। परमेश्वर के पास हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, वहाँ सोल्यूशन को भी दिखा दिया, क्योंकि तुम्हारा पाप को मिटाना तो लहू की जरूरत है, मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु है, तुमको मरना था, लेकिन वहाँ एक जानवर को परमेश्वर काट के मार के उनका चमड़ी से उनकी पूरी शरीर को नंगेपन को पूरा ढाक दिया। यही दिखाता है मेमना की लहू से, मतलब मेरे बेटा
मेरा एकलौते बेटे को मैं भेजूंगा, उसका लहू से ही इंसान को छुटकारा करके परमेश्वर ये दिन वाटिका में ही दिखा दिया। वहां से आदम अव्वा को वो भगा दिया, वो लोग दोनों एदेन वाटिका से निकल गए थे। हम देख सकते हैं ऐसे ही परमेश्वर और इंसान के बीच में बड़ा दरार हो गया। ऐसे ही परमेश्वर पवित्र है, जो कोई भी परमेश्वर के पास जाना तो यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते हैं, क्योंकि सारे मनुष्य ने पाप किया, सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, एक भी धर्मी नहीं है, सब अपना अपना मार्ग चुन लिया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना तो यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा ही होते हैं। इस पुराना मनुष्य को नई सृष्टि बनाना तो, जो आत्मा में मरा हुआ है वो जिंदा होना तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हो सकता है। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आकर यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आपका लहू से धो लीजिए करके जो कोई भी बोलते हैं, जो परमेश्वर दया का धनी वहाँ हम देखते हैं अपने बेटे को दिया, उस यीशु मसीह के लहू से हमारा पाप पूरा साफ होता है। वहाँ यीशु मसीह के साथ हम भी क्रूस पर मरते हैं और यीशु मसीह के साथ हम गाड़ा जाते हैं, और यीशु मसीह के साथ जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा वैसे हम भी जिंदा होते हैं। वही है नई सृष्टि, जो यीशु मसीह के अंदर है वो नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गया है, इसका मतलब जो आदम ने किया, जो पाप था वो मिट जाता है, हम धर्मी बन जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। यही बता रहा है इधर पौलुस, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करो, उनका लहू से तुम अपने पापों को धो लो करके इधर बता रहा है। आज भी ऐसा ही कोई हो सकते हैं, कितने लोग अपना पाप की क्षमा के लिए भाग रहे हैं, अपने आशीष के लिए भाग रहे हैं। देखिए पाप आया, श्राप भी आ गया, जहां पूरा काटा उत्पन्न हो गया। तो इस पाप से, श्राप से, बीमारी से, शैतान के बंधन से, शैतान की गुलाबीपन से हमें छुटकारा देने वाला हमारा यीशु मसीह है। तो उनके पास जो कोई भी आते हैं वो लोग अनंत जीवन पाते हैं। अनंत जीवन देने के लिए हमारा यीशु मसीह आया। शैतान आता है, चोर आता है, चोरी करने, घात करने, मार डालने, लेकिन परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आया, जीवन देने के लिए आया। जो कोई भी इंसान हो उनको प्रकाशित करने वाला हमारा यीशु मसीह जगत की ज्योति, जीवन की ज्योति है। पूरा शैतान पूरा दुनिया को पूरा अंधकार में रखा है, लोगों की आंखों को बंद करके रखा है, पूरा झूठ बोल बोल के बंधन में रखता है, आंख पूरा आंख बंद पड़ा है। लेकिन ये वचन की रोशनी अंदर जाता है, हृदय में विश्वास करो, उसे बोलो, उद्धार पाओगे। वो दिल के अंदर वचन जाएगा, रोशनी को लाएगा, वो अंधकार से छुटकारा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाते हैं, ज्योति के संतान बन जाते हैं। पवित्र आत्मा अंदर आता है, हमारा आत्मा के साथ गवाही देता है, तुम परमेश्वर की संतान को अप्पा पिता करके पुकारने के लिए हमको पवित्र आत्मा पुत्र की आत्मा में दिया गया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारा हृदय में उंडेला गया है। तो ये सारे आशीष को वारिस हम बन गए हैं, हम यीशु मसीह के साथ हम वारिस बन गए हैं। ये सब हम देख सकते हैं, परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है। स्वर्गीय स्थानों में हम बैठा गया है, पूरा स्वर्गीय सब हर प्रकार की सब प्रकार की आशीषों से परमेश्वर हमें आशीष किया है, लेकिन इस बातों को जानते नहीं है। इसलिए इंसान था तड़प रहा है, कहीं भाग रहा है परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लिए। पहले से हमारे ऊपर अनुग्रह प्रकट हो गया यीशु मसीह के द्वारा, प्रेम प्रकट हो गया, जीवन प्रकट हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। आज आपके लिए शुभ संदेश है, आज आप कहीं ऐसे ही पाप में फंसे हो सकते हैं और बीमारी में पड़े हो सकते हैं, कर्जा में डूब गए होंगे, आपका व्यापार अच्छा सा चलता नहीं होगा, मेरे को पढ़ाई नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मैं हमेशा इस पाप से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे कौन छुड़ाएगा, मैं कैसे मेरा परिवार को चलाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं कैसे अच्छे पद पे लेके जाऊंगा करके हर एक माँ बाप तड़प रहे हैं, हर एक इंसान तड़प रहा है। बच्चे लोग, जवान बच्चा लोग पाप के अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। कोई भी हो, जवान हो, बूढ़े हो, छोटे बच्चे हो, सबके लिए एक ही शुभ संदेश है, यीशु मसीह आपको प्यार करता है। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, वो अपना लहू बहाया, आपका सारे पाप श्राप बीमारी सब अपने ऊपर वो ले लिया, आपके लिए वो क्रूस पे मरा, आपके लिए नहीं
सबके लिए, पूरा दुनिया की पापों के लिए यीशु मसीह मरा। जो कोई भी विश्वास करते हैं वो लोग अनंत जीवन पाते हैं। एक बच्चा जन्म होना तो पहले उनका सर घूमना पड़ता है, तो सर घूमते नहीं है तो वहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा करके तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल देते हैं, नहीं तो बच्चा भी मर जाएगा और मम्मी को भी जान की खतरा है करके वो डॉक्टर लोग निकाल देते हैं। ये शारीरिक तौर से एक बच्चा जन्म होने के लिए भी उनका सर घूम के आना पड़ता है, लेकिन एक आत्मिक जन्म के लिए इंसान मन फिरना है। जैसे वो सर फिर के आता है वैसे ही मन फिरेंगे तब एक नई सृष्टि वहाँ उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ, मैं जन्म से ही पापी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, आपका लहू से मुझे साफ कीजिए करके हम नम्र मन से अपना गलती को मान लेंगे, हम मन फिराएंगे, हम नई सृष्टि वहाँ बन जाते हैं, हम नया जन्म पाते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म होता है वैसे हमारा आत्मा जो आदम पाप करके वो आत्मिक मृत्यु में चला गया था, उसके कारण आज भी पूरी पृथ्वी में सब लोग आत्मा मरे रहते हैं। जो यीशु मसीह को विश्वास करता है उसका आत्मा जिलाया जाता है। इसलिए इसी में हम देखते हैं पाप में मरे पड़े थे, उनको यीशु मसीह आपका अनुग्रह के द्वारा जिलाया करके हम देख सकते हैं। वैसे ही हम नई सृष्टि बन जाते हैं, वहाँ हम नया जन्म पाते हैं। उस नई सृष्टि है सबके ऊपर जय पाया, हमारा यीशु मसीह उनके अंदर आते हैं। मृत्यु के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुनिया के ऊपर जय पाया, हमारा यीशु मसीह उस नई सृष्टि के अंदर आकर वो निवास करते हैं। पवित्र आत्मा अंदर आते हैं, हम सबके ऊपर हम भी जय पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्म होते हैं, उनके डीएनए हमारे अंदर आ जाता है, हम उनके बेटा बेटी बन जाते हैं। तो हम भी एक छोटा यीशु जैसे इस दुनिया में हम रहते हैं, क्योंकि यीशु का जीवन, यीशु का धार्मिकता, यीशु का पवित्रता, सब कुछ यीशु का ही हमें दिया गया है। हम हमारा पुराना मनुष्य मर चुका है, क्रूस पे यीशु मसीह के साथ मर गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन एक नई सृष्टि के रूप में हम जन्म हो गए हैं। यही है नई सृष्टि। हालेलुया, इस नई सृष्टि के अंदर शांति है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता और सब सब प्रकार की आशीष, स्वर्ग हमारा अंदर आ जाता है। स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, हमारा सोर्स स्वर्ग से आती है, इंसान के ओर से नहीं है। हर चीज हमारा, नौकरी भी हो, पढ़ाई भी हो, जो भी हमारा धन दौलत सब कुछ हो, हमारा शरीर की चंगाई भी हो, हमको स्वर्ग से मिलती है। हालेलुया, हम स्वर्गीय वारिस बन गए हैं। जैसे और भी एक उदाहरण हम दे सकते हैं, देखिए एक बटरफ्लाई को हम देखते हैं। पहला बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसे ही जन्म नहीं होता है, पहला अंडा आता है और उस अंडे से कैटरपिलर निकलता है, एक कीड़ा आता है, वो क्या करता है, धीरे 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 चलता है और जाकर पत्ते को खाता है। फिर एक दिन आता है वो अपना मुंह से जो एक धागा जैसे आता है उसके द्वारा एक ककुन बना देता है, उसके अंदर कुछ दिनों तक वो कीड़ा रहता है, उस कैटरपिलर रहता है। वो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उसके अंदर से एक बटरफ्लाई बन के बाहर आता है। तो ये पुराना मनुष्य है, वो कीड़ा है, वो कैटरपिलर है, वो धीरे 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 जमीन पे ही चलता था, वो फास्ट नहीं चल पाया और वो उड़ भी नहीं सकता था, उसके अंदर सुंदरता भी है ही नहीं है, बस वो ऐसे जिंदगी जी रहा है। इसका मतलब वो पुराना मनुष्य को दर्शाता है, मतलब वैसे ही है। उसके बाद जो ककुन बन के अंदर रह के एक नया जन्म पाता है वो बटरफ्लाई है, वो उड़ता है। वो कभी देखिए जमीन के अंदर आके ज्यादा बैठेगा नहीं, फूलों फूलों में जाके बैठता है और वहां से हनी को लेता है, मद मद लेता है, मद को वो पीता है। वैसे ही बटरफ्लाई ऊपर ऊपर ही घूमता है, वो ये नई सृष्टि को दर्शाता है। आज परमेश्वर हम सबसे बातें करते हैं, पुराना बातें बीत गया है, सब कुछ देखो नया हो गया है। ऐसे हमारा मन को परमेश्वर बनाना चाहते हैं, हमारा मन पूरा पूरा परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है। हम अब्राहम को देख सकते हैं, उनका शरीर मर गया था, साराई का गर्भस्थान भी मर गया था, उनको 100 उम्र, 90 उम्र, कैसे बच्चा होगा, होगा क्योंकि परमेश्वर का वायदा है इसहाक जन्म होगा। वैसे ही जन्म हुआ, वायदा का बच्चा इसहाक जन्म हुआ। हम भी विश्वास करना है,
पहला आदम मिट्टी से बनाया गया है, उसके द्वारा मृत्यु आया। दूसरा आदम परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह स्वर्ग से आया है, उनके दूसरा आदम के द्वारा हम जीवन पा लिए, आज हम जिंदा हो गए हैं। आज भी जितने लोग अभी अंधकार में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे शांति देगा करके आप सोच सकते हैं। आज आपके लिए शुभ संदेश है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। कैसे करेंगे? यीशु को पुकारिए, उनके पास आइए, उनका लहू आपको साफ करता है। बस अपना मन से मुझसे बोलना, यीशु मसीह में एक पापी हूँ, मेरा पापों को क्षमा कीजिए, आपका लहू से मुझे साफ कीजिए, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए आप 2000 वर्ष के पहले इस दुनिया में आया, इंसान के रूप में आया, मेरे लिए आप लहू बहाया, मेरे पाप श्राप बीमारी सब आपने ले लिया अपने ऊपर, आपका चंगाई सुरक्षा, आपका आनंद, आपका शांति, आपका आशीष पवित्रता धार्मिकता मुझे दे दिया, मैं विश्वास करता हूँ करके हम बोलेंगे, हम तुरंत उद्धार पाते हैं, हमको यीशु मसीह का लहू छुटकारा देता है। आज इस बातों को जो कोई भी विश्वास करते हैं वो नया जन्म पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस मधुर वचन के लिए। पिता यीशु मसीह का लहू हमारे लिए अच्छी बातें करता है, उत्तम बातें करता है, हमारा सारा श्राप बीमारी हालेलुया पापों को वो साफ करता है, हमको धोता है, हमको नया जिंदगी देता है, नई सृष्टि बनाता है, वो नई सृष्टि के अंदर वो आ जाता है, आके निवास करता है। हम पवित्र मंदिर बन गए हैं पिता, धन्यवाद प्रभु इस वचन को सुनने वाले हमारे भाई बहन को भी प्रभु हालेलुया उनके मन में बातें कीजिए। हालेलुया आपको जो कोई भी विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया आपके हाथों में पिता सुनने वाले को समर्पण करती हूँ, मैं मुझे भी समर्पण करती हूँ विश्वास की प्रभु, भाई बहन को, उनके परिवार को, प्रभु हमारा सेवक परिवार को भी आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह का लहू के अंदर सुरक्षा है, उस लहू के अंदर हम प्रभु आते हैं। पिता आप हमें संभालिए, सुरक्षा रखिए। हालेलुया आपका वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, उसको प्रभु हम ले लेते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन।